2022 आने वाला इनटेक कैसा रहेगा, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपका नुकसान ना हो जाए, आपकी रिफ्यूजल ना आ जाए। बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पर मुझसे पूछे जाते हैं, सो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं जिसमें ईच एंड एवरी आंसर की क्लैरिफिकेशन हो, चाहे बच्चा फ्रेश अप्लाई कर रहा है, चाहे बच्चा रिफ्यूज अप्लाई कर रहा है। टिप्स भी दूंगा, किन चीजों का ध्यान भी रखना है वो भी दूंगा, फ्यूचर सिनेरियो भी आपके आगे प्रेजेंट करूंगा। जिस बच्चे ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है उनको भी सजेशन दूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, बिकॉज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। किन चीजों को अवॉइड करना है, क्या वाकई ओंटारियो में अप्लाई करना है या बीसी फेवरेट डेस्टिनेशन होनी चाहिए, रेस्ट ऑफ द कनाडा में क्यों अप्लाई करने से लोग डरते हैं, क्या उसके पीछे रीजन है, क्या वाकई मॉन्ट्रियल आने वाले दिनों में जो मॉन्ट्रियल का एक पीक था, जो मॉन्ट्रियल के प्रति लोगों का प्यार था वो डिक्रीज होगा, या एक बार फिर से वेव आएगी कि लोग मॉन्ट्रियल में अप्लाई करेंगे। काफी सारे सवाल जो डे प्रतिडे मेरे पास आते हैं, तो उस पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, और उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज हमेशा कोशिश करता हूँ एक जेन्युइन एक ऑथेंटिक एडवाइस आपको दे सकूं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है उसे भी ज्वाइन कीजिए। स्टडी वीजा एसओपी में भी हेल्प चाहिए, वीजा रिफ्यूज हो गया है, फाइल रीलॉज करना चाहते हो, किन चीजों पर ध्यान रखना है, लास्ट टाइम कोई मिस्टेक हो गई थी उसको कैसे क्लियर आउट करना है, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। इनडायरेक्ट रूट से कनाडा ट्रेवल करना चाहते हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। सो बैकलॉग, सबसे बड़ा जो सवाल आता है इस समय जनवरी 2022 की मैं बात करूं तो उससे पहले, कि क्या पुराना बैकलॉग तो कनाडा से क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसे में हम कैसे एक होप रख सकते हैं कि जनवरी 2022 के रिजल्ट है एक टाइम पर आ जाएंगे। ठीक है, बट इस चीज की एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे केसेस में आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो न्यू एप्लीकेशंस हैं उनके रिवर्ट जो लिमिटेड टाइम में आ रहे हैं। दूसरा, जो रिफ्यूज एप्लीकेशन है, एक बार बंदे की एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है, जब वो रीअप्लाई करता है उनके भी रिजल्ट जो लिमिटेड टाइम में आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपकी जनवरी इनटेक के लिए। सबसे पहले फ्रेश एप्लीकेंट्स की बात करूंगा। जब एक फ्रेश एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करता है जनवरी 2022 के लिए, या किसी भी इनटेक के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, तो उसके माइंड में दो जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले वो होते हैं कि मैं कनाडा की उस प्रोविंस में जाऊंगा, मेरा भाई वहां पे है, मेरी बहन वहां पे है, मेरे रिलेटिव वहां पे है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको उन तक पहुंचना है, उनको आपके पास नहीं आना है। तो ऐसे में अगर आप देखिए, आप किसी फ्रेंड के पास जाना चाहते हो, उस दबाव में आप रॉन्ग सिलेक्शन चूज करेंगे कोर्स की, रॉन्ग कॉलेज चूज करेंगे, रॉन्ग यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, तो उसका रिजल्ट होगा रिफ्यूजल। बहुत सारे केसेस में पहले मई इनटेक में, सितंबर इनटेक में बच्चों ने ये गलती की है। सेकेंड ऑप्शन, बहुत सारे जो फेवरेट कोर्सेस हैं, फेवरेट कॉलेजेस हैं, जनवरी इनटेक के लिए क्लोज हो चुके हैं, तो ऐसे में बच्चे फिर वही बोलते हैं कि एक बार आप ऑफर लेटर अप्लाई कर दीजिए जी, हम इसे इसमें अप्लाई कर देते हैं। एजेंट भी बोलता है कि जी हमने बहुत वीजे लिए हैं इस कॉलेज में, इस कोर्स में आपका लग जाएगा, आप घबराइए मत। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। देखिए, एजेंट का कुछ नहीं जाना है, नुकसान किसका होना है, आपका। आपने किसी के प्रेशर में आकर अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करनी है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन हाई कमीशन के ऊपर नेगेटिव पड़ गया, देन आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री के कारण आने वाले दिनों में भी आपकी प्रोफाइल में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि फर्स्ट रिफ्यूजल आने के बाद सेकंड रिफ्यूजल को क्लियर आउट करने में टाइम लग जाता है, कई बार तीन तीन बार रिफ्यूज होके जस्टिफिकेशन देके क्लियरिटी आती है। तो फर्स्ट इंप्रेशन ही इतना अच्छा डालो कि आपका जो वीजा ऑफिसर है वो इंप्रेस हो जाए। कोर्स इतना अच्छे तरीके से रिलेट करो, कोर्स इतना बढ़िया चूज करो। फॉर एग्जाम्पल, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो आपका सेक्टर है उससे रेलिवेंट कोर्स लीजिए, ना कि जो आपका सेक्टर ही नहीं है, जो आपकी लाइन ही नहीं है, जो आपका फील्ड ही नहीं है, अगर उस सेक्टर में जाओगे डेफिनेटली मार खाओगे। उसके बाद इंजीनियरिंग फील्ड है आपका, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आप मेडिकल सेक्टर में जाओगे, आप किसी और टूरिज्म सेक्टर में जाओगे, तो कहीं ना कहीं वीजा ऑफिसर का माइंड है जो डाइवर्ट होगा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव में आने में 1 मिनट का समय भी नहीं लेगा। तो इन चीजों का ध्यान आपको रखना है। फ्रेश एप्लीकेंट,
जब सब कुछ आपने डन कर दिया, कोर्स सिलेक्शन कर ली, फीस पे कर दी, जीआईसी पे कर दी, उसके बाद किस चीज का ध्यान रखना है कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है वीजा ऑफिसर के आगे, चाहे आप फ्रेश हो चाहे आप रिफ्यूज हो। फ्रेश की बात ऑलरेडी कर चुका हूं, बिकॉज एक प्रेजेंटेशन बहुत अहमियत रखती है। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, एक रेपुटेटिव पोजीशन के ऊपर हो, आपने कोई प्रेजेंटेशन अपने बॉस को देनी है, अगर वो प्रेजेंटेशन अच्छी होगी देन ही आपका प्लान अप्रूव किया जाएगा। अगर आपके आइडिया कितने भी अच्छे हो, आपकी इंटेंशन कितनी भी क्लियर हो, आपके एकेडेमिक्स कितने भी क्लियर हो, आपके आइल्स में अच्छे स्कोर है, आपका कोर्स अच्छा है, उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं किया गया, देन इट मे यू नो आपकी जो इंटेंशन है उसके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, देन इट आल्सो लीड टू रिफ्यूजल। इन चीजों का फ्रेश एप्लीकेंट्स ने ध्यान रखना है। अगर अभी तक नहीं अप्लाई किया है, एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर सकते हो, आप हमारे साथ भी, किसी और कंसल्टेंट के साथ भी, लेकिन ध्यान रखना कोर्स बहुत मैंडेटरी है। उसके बाद जो दूसरी चीज है, रिफ्यूज, एक बार ऑलरेडी रिफ्यूज हो चुके हो, यू स्टक बी योर लाइफ, आपका नुकसान हो चुका है, बट किन चीजों का अभी भी ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने बोला था कि मुझे जो मर्जी कोर्स ले दो, एक बार इस इनटेक में मुझे फिट कर दो, ठीक है, बट नुकसान क्या हुआ, रिफ्यूजल। एक बार रिफ्यूजल आ गई, एजेंट ने बोला कि बहुत सारे बच्चों की रिफ्यूजल वैसे ही आ जाती है, आप इस केस में रीअप्लाई कीजिए, आपका वीजा आ जाएगा। मानता हूं सेकेंड टाइम में वीजा आ जाता है, लेकिन एक बार फिर बात वही आ जाती है कि व्हाट अबाउट योर प्रेजेंटेशन, आपने अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे किया हाई कमीशन के आगे, ये एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो सेकंड टाइम अगर अप्लाई करना है, आप कोर्स वगैरह चेंज कर रहे हो, ठीक है, अपना कैंपस चेंज कर रहे हो, अपनी प्रोविंस चेंज कर रहे हो, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि अपनी एसओपी में इसके बारे में जरूर लिखना, अदरवाइज देन आपका वीजा फिर रिफ्यूज हो जाएगा। क्यों? फर्स्ट टाइम आपने बोला कि दैट यही प्रोविंस मेरे लिए अच्छा है, ऑन्टारियो मेरे लिए बेस्ट है, ऑन्टारियो में ये कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है, सेकंड टाइम आपने किसी और कोर्स में एडमिशन ली, किसी और प्रोविंस में एडमिशन ली, आपने कुछ नहीं बताया, तो वीजा ऑफिसर आपकी इंटेंशन के ऊपर, इंटेंशन के बिहाफ के ऊपर आपका वीजा रिफ्यूज कर देगा। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद बात आ जाती है कि एसडीएस प्रोफाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, पीटी और एक में 5.5 पर वीजा नहीं आता है, बिल्कुल गलत है। जो विदाउट आइल्स वीजे आते हैं, जो ओवरऑल 5.5 पर वीजे आते हैं, वो एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ ही आते हैं। बहुत सारे रेपिटेटिव कॉलेजेस ऐसे हैं जो एक में 5.5 एक्सेप्ट करते हैं, जो कि बेसिकली जनरल कैटेगरी का पार्ट है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो पीटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो इट्स टोटली रॉन्ग के पीटी के और एक में 5.5 के ऊपर वीजा नहीं आता। यू हैव टू एक्सप्लेन टू द वीजा ऑफिसर दैट व्हाई यू आर अप्लाइंग अंडर नॉन एसडीएस, बिकॉज आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज आपको एक्सेप्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, आपके जो स्कोर्स हैं वो पूरे हैं, इसीलिए आप एक में 5.5 से अप्लाई कर रहे हैं। कैनेडा ने कभी भी इग्नोरेंस नहीं किया, हमारे पास डेली कंटिन्यूसली बहुत सारे बच्चों से बात होती है। एक बच्चा पीटीए वाला होता है, उसकी अप्रूवल आ जाती है, एक बच्चा 6.5 वाला होता है, ठीक है, कोई गैप भी नहीं होता, उसकी रिजेक्शन आ जाती है। तो उसके पीछे रीजन यही होता है कि आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे किया है। एक लो स्कोरिंग वाला बच्चा एक अच्छी जॉब ग्रैब कर सकता है, उसके पीछे रीजन क्या है कि वो इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट कैसे करता है, ये एक मेन रीजन है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।